सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग महाभारत की एक सांझ एकांकी का अगला भाग शुरू करेंगे जो हम लोगों ने कल छोड़ा था। कल का जो संवाद था वह युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच चल रहा था। उससे पहले कुछ कमेंट्स भी आए थे कि सर, लास्ट का जो प्रश्न है, चार प्रश्न, वो ठीक से दिख नहीं रहा है। तो मैं उनकी सुविधा के लिए आज चारों प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ और वे ध्यान से फिर उसे लिख लेंगे ताकि अपनी कॉपी में उसका उत्तर सही रूप से लिख सकें। स्क्रीन पर भी मैं उसे कर रहा हूँ। कल का जैसा कि एक्सट्रैक्ट जो था, गद्यांश जो था, वह था, कह नहीं सकता संजय किसके पापों का परिणाम है, किसकी भूल थी, किसका भीषण विषफल मिला। ओह, क्या पुत्र मोह अपराध है, पाप है? क्या मैंने कभी भी पहला जो इसका इस गद्यांश का प्रश्न था कि उपर्युक्त अवतरण के वक्ता कौन है, उनका संक्षिप्त परिचय दीजिए। दूसरा प्रश्न था, उपर्युक्त कथन का श्रोता कौन है, वह वक्ता को क्या सलाह देता है और क्यों? तीसरा प्रश्न था, यहाँ भीषण विषफल किस ओर संकेत करता है, स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न था कि पुत्र मोह से क्या तात्पर्य है, दुर्योधन कौन था, वह कहाँ छिपा बैठा था। आशा करता हूं कि आप सभी ने प्रश्नों को सुन लिया होगा। एकांकी का आगे का जो भाग है उसे हम लोग आगे बढ़ाते हैं। कल तक जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, युधिष्ठिर और दुर्योधन के बीच संवाद चल रहा था जिसमें दुर्योधन ने कहा था कि हंस लो दुष्ट, चाहे जितना जी चाहे हंस लो, पर यह ना भूलना मैं अभी भी जीवित हूँ और मेरी भुजाओं में अभी भी बल है। इस पर युधिष्ठिर उसे कहता है कि अरे नीच, अब भी तेरा क्या गर्व चूर नहीं हुआ है? यदि बल है तो तू इस जल स्तंभ के नीचे से क्या बात कर रहा है? बाहर निकल और आकर पराजित हमें कर और अपना राज्य प्राप्त कर ले। वहां नीचे बैठा हुआ तू अपनी वीरता का बखान क्यों कर रहा है? तू क्या समझता है कि हम तुम्हारी जो है धमकाने भरी बातों में आ जाएंगे? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि तुम्हारी थोथी बातों से यहां कोई डरने वाला नहीं है। दुर्योधन आगे कहता है कि तुमने स्वार्थ के लिए तो अपने गुरुजन बंधु बांधव की निर्ममता से हत्या कर दी। पांडवों की रक्त की प्यास अभी तक क्या बुझी नहीं है? आगे दुर्योधन कहता है कि मैं कायर नहीं हूं और ना ही तुम्हारी कभी वह गुलामी स्वीकार करेगा। भीम आगे बढ़ते हुए कहते हैं, तो फिर तुम बाहर क्यों नहीं निकलते हो? यदि तुम्हें अपनी भुजाओं पर इतना ही घमंड है, ताकत है, और जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए हैं, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? यहां इन पंक्तियों का कहने का तात्पर्य यह है कि इस महाभारत के युद्ध में जितने भी महारथी तुम्हारी ओर से लड़े थे, सभी के सभी वीर गति को प्राप्त हो गए, और ये सब के पीछे का कारण तुम हो, और आज तुम जो हो अपने प्राणों को बचाना चाहते हो। यह कदापि संभव नहीं हो सकता है। भीम कहते हैं कि तुम अच्छी तरह से समझ लो, बिना तुम्हारे प्राण लिए यह कभी शांत नहीं हो सकती। दुर्योधन कहता है, युधिष्ठिर, मैं जानता हूं, मैं सब कुछ अच्छी तरह से जानता हूं। मैं अब थक चुका हूं, जैसा कि
मेरी सारी सेना तितर बितर हो गई है, मेरा कवच भी फट गया है, मेरे पास कोई अस्त्र भी नहीं है। यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मुझे समय दो। क्या भूल गए, मैंने भी तुम्हें तो 13 वर्ष का समय दिया था। दुर्योधन की इन बातों को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं, 13 वर्ष का समय दिया था? दुर्योधन, तुमने 13 वर्ष का समय नहीं दिया था, बल्कि वनवास दिया था। और यह सोचकर वनवास दिया था कि इन 13 वर्षों में हमारे अंदर का उत्साह ठंडा पड़ जाएगा, हमारी सारी शक्ति बिखर जाएगी, हमारे साथी इधर से उधर हो जाएंगे, और जब हम कमजोर पड़ जाएंगे तब तुम आसानी से हम पर विजय प्राप्त कर सकोगे। और आज तुम जो है कह रहे हो कि हम मैंने तुम्हें 13 वर्षों का समय दिया था। दुर्योधन आगे कहता है, युधिष्ठिर, तुम तो अपने आप को धर्मराज कहते हो, तुम तो कभी कोई अधर्म करते नहीं हो, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भीम आगे बढ़ते हुए दुर्योधन से कहते हैं कि अब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ? सच ही कहा गया है, कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रे दुष्ट, तुम्हारा धर्म उस समय कहां गया था जब एक निहत्थे बालक को 7-7 महारथियों ने मिलकर मारा था? यहां पर उस निहत्थे बालक की बात हो रही है जिसे 7 महारथियों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह की रचना करके मार डाला था, और वह निहत्था बालक कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी, और उस चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु अंदर तो चला गया परंतु उसे बाहर का मार्ग पता नहीं था निकलने का, और 7-7 महारथियों ने घेर कर मार दिया था। युधिष्ठिर दुर्योधन से उसी बात का स्मरण कराते हुए कहता है कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, आज तुम धर्म की बात कर रहे हो? जब आधा राज्य तो दूर सुई के नोक के बराबर भी भूमि देना तुमने अनुचित नहीं लगा। यह उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, और श्री कृष्ण जी को अंतिम संदेश दे करके भेजा गया था, और भरी सभा में किस प्रकार से दुर्योधन ने कहा था कि आप जो है 5 गांव की मांग कर रहे हैं, मैं तो 5 गांव क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यदि पांडवों में बाहुबल है तो वे जीत करके अपना राज्य ले लें। यहां युधिष्ठिर दुर्योधन को उन्हीं बातों का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी वीरता पर धिक्कार हो रहा है। युधिष्ठिर की इन्हीं बातों को सुनकर दुर्योधन आगे कहते हैं कि एक निहत्था थका हुआ व्यक्ति, उसे घेर कर आज तुम लोग वीरता का उपदेश दे रहे हो, मुझे तो दुख है, उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं सच कहता हूं, तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति सी हो गई है। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने लोगों के खून बहे हैं कि उनके खून को देख करके आज मुझे जो है युद्ध करने की मेरे मन में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। दुर्योधन यहाँ पर युधिष्ठिर से कहता है कि इस नरसंहार को देखकर मुझे जो है युद्ध से विरक्ति हो गई है, और वह सिंहासन जो खून से सना हुआ है अब उस पर मुझे बैठने की अब कोई भी इच्छा नहीं है। इसलिए हे युधिष्ठिर, तुम निश्चिंत मन से जाओ और हस्तिनापुर राज्य का भोग करो। मैं दुर्योधन वन में जाकर बाकी के दिन भगवत भक्ति में बिताना चाहता हूँ।
मेरे मन में अब युद्ध करने की इच्छा नहीं रह गई है। दुर्योधन की इन सारी बातों को सुनकर तभी भीम जो है आगे कहते हैं कि बेकार में दुर्योधन, ये सारी जो कूटनीति है ये सब बेकार है। यदि तुम सोचते हो कि ये सारी बातें करके तुम अपने प्राणों को बचा लोगे तो यह संभव नहीं है। अब केवल युद्ध ही है, बस एक ही मार्ग तुम्हारे पास बचा है। दुर्योधन आगे कहता है कि एक निहत्थे को यदि मारने से तुम्हें संतोष मिल जाए तो लो मैं जो है बाहर आता हूं। और जैसा कि दुर्योधन जो है पानी के अंदर जो छिपा हुआ था, बाहर निकलकर वह युधिष्ठिर के सामने आ जाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि यदि मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें अगर तुम्हारी इच्छा तृप्त होती है तो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ, और जब हम कमजोर पड़ जाएंगे तब तुम आसानी से हम पर विजय प्राप्त कर सकोगे। और आज तुम जो है कह रहे हो कि हम मैंने तुम्हें 13 वर्षों का समय दिया था। दुर्योधन आगे कहता है, युधिष्ठिर तुम तो अपने आप को धर्मराज कहते हो, तुम तो कभी कोई अधर्म करते नहीं हो, फिर तुम्हारे रहते तुम्हारी आंखों के आगे ऐसा अधर्म हो, सोचो तो। भीम आगे बढ़ते हुए दुर्योधन से कहते हैं कि अब तुम्हें धर्म का स्मरण हुआ, सच ही कहा गया है कायर और पराजित ही अंत में धर्म की शरण लेते हैं। युधिष्ठिर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि रे दुष्ट, तुम्हारा धर्म उस समय कहाँ गया था जब एक निहत्थे बालक को 7-7 महारथियों ने मिलकर मारा था। यहां पर उस निहत्थे बालक की बात हो रही है जिसे 7 महारथियों ने कुरुक्षेत्र के मैदान में चक्रव्यूह की रचना करके मार डाला था, और वह निहत्था बालक कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था। कि किस प्रकार से गुरु द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की थी और उस चक्रव्यूह की रचना में अभिमन्यु अंदर तो चला गया परंतु उसे बाहर का मार्ग पता नहीं था निकलने का, और 7-7 महारथियों ने घेर कर मार दिया था। युधिष्ठिर दुर्योधन से उसी बात का स्मरण कराते हुए कहता है कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, आज तुम धर्म की बात कर रहे हो। जब आधा राज्य तो दूर सुई के नोक के बराबर भी भूमि देना तुमने अनुचित नहीं लगा। यह उस समय की घटना है जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था और श्री कृष्ण जी को अंतिम संदेश दे करके भेजा गया था, और भरी सभा में किस प्रकार से दुर्योधन ने कहा था कि आप जो है 5 गांव की मांग कर रहे हैं, मैं तो 5 गांव क्या, एक सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। यदि पांडवों में बाहुबल है तो वे जीत करके अपना राज्य ले लें। यहां युधिष्ठिर दुर्योधन को उन्हीं बातों का स्मरण कराते हुए कहते हैं कि उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ गया था, अपने अधर्म से इस पुण्य लोक भारत भूमि में द्वेष की ज्वाला धधकाकर अब तू धर्म की दुहाई दे रहे हो। मुझे तो तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी वीरता पर। युधिष्ठिर की इन्हीं बातों को सुनकर दुर्योधन आगे कहते हैं कि एक निहत्था थका हुआ व्यक्ति, उसे घेर कर आज तुम लोग वीरता का उपदेश दे रहे हो, मुझे तो दुख है, उसके लिए तुम्हारी प्रशंसा तो मैं कर ही नहीं सकता, लेकिन मैं सच कहता हूं तुमसे इस नर हत्याकांड से मुझे विरक्ति सी हो गई है। इस कुरुक्षेत्र के मैदान में इतने लोगों के खून बहे हैं कि उनके खून को देख करके आज मुझे जो है युद्ध करने की मेरे मन में अब कोई रुचि नहीं रह गई है। दुर्योधन यहाँ पर युधिष्ठिर से कहता है कि इस नरसंहार को देखकर मुझे जो है युद्ध से विरक्ति हो गई है, और वह सिंहासन जो खून से सना हुआ है अब उस पर मुझे बैठने की अब कोई भी इच्छा नहीं है। इसलिए हे युधिष्ठिर,
तुम निश्चिंत मन से जाओ और हस्तिनापुर राज्य का भोग करो। मैं दुर्योधन वन में जाकर बाकी के दिन भगवत भक्ति में बिताना चाहता हूँ। मेरे मन में अब युद्ध करने की इच्छा नहीं रह गई है। दुर्योधन की इन सारी बातों को सुनकर तभी भीम जो है आगे कहते हैं कि बेकार में दुर्योधन, ये सारी जो कूटनीति है ये सब बेकार है। यदि तुम सोचते हो कि ये सारी बातें करके तुम अपने प्राणों को बचा लोगे तो यह संभव नहीं है। अब केवल युद्ध ही है, बस एक ही मार्ग तुम्हारे पास बचा है। दुर्योधन आगे कहता है कि एक निहत्थे को यदि मारने से तुम्हें संतोष मिल जाए तो लो मैं जो है बाहर आता हूं। और जैसा कि दुर्योधन जो है पानी के अंदर जो छिपा हुआ था बाहर निकलकर वह युधिष्ठिर के सामने आ जाता है और युधिष्ठिर से कहता है कि यदि मेरे प्राणों का नाश करके तुम्हें अगर तुम्हारी इच्छा तृप्त होती है तो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत हूँ। युधिष्ठिर आगे कहते हैं कि रे पापी, यदि आज तुम्हें अपने प्राणों का इतना ही मोह था तो तुमने आखिर महाभारत रचाया ही क्यों? न्याय को ठोकर मारकर अन्याय का पथ ग्रहण ही क्यों किया? युधिष्ठिर की इन्हीं बातों को सुनकर दुर्योधन आगे कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी किया अपनी रक्षा के लिए किया। मैं तो जीना चाहता था, मिलजुल कर शांति से रहना चाहता था, परंतु मैं यह नहीं जानता था कि तुम्हारे रहते क्या मेरी यह कामना, यह छोटी सी इच्छा कभी पूरी हो सकेगी। दुर्योधन की इन्हीं बातों को सुनकर तभी भीम जो है वे कहते हैं कि रे पाखंडी, तुझे झूठ बोलने में भी शर्म नहीं आती है? भीम के इतना कहते ही दुर्योधन कहता है तो ले लो राक्षसों, यदि मेरे प्राण लेकर तुम्हारी इच्छा तृप्त हो जाए तो मेरे प्राण ले लो, प्राण भी ले लो। जब मैं जीवन भर प्रयास करके भी अपने एक भी घड़ी जो है शांति से नहीं बिता सका, जब मैं अपनी एक भी कामना को फलते देख नहीं सकता, तो इस प्राण को रखकर मैं करूंगा भी तो क्या करूंगा? अपने अस्त्र उठाओ और मेरा शीश जो है इस धर से अलग कर दो, देखते क्या हो, मैं तो तुम्हारे सामने निहत्था खड़ा हूं। ऐसा मौका तो तुम्हें कभी जीवन में मिलेगा ही नहीं। रे मेरे जीवन के शत्रुओं, यदि तुम्हें मेरे ही प्राण लेकर के तुम्हारी इच्छा तृप्त होती है तो अपनी इस इच्छा को पूर्ण कर लो। दुर्योधन की इस बात को सुनकर युधिष्ठिर कहते हैं कि पहले तो तुम वीरता का दम भर रहे थे, शुरुआत में तो तुम कह रहे थे कि यदि भुजाओं में बल है, कि अभी भी मेरी भुजाओं में बल है, मैं कायर नहीं हूं, परंतु अब अंत में तुम करुणा की भीख क्यों मांग रहे हो? क्या कायरों का यही नियम है? लेकिन दुर्योधन तुम कान खोलकर सुन लो। युधिष्ठिर कहते हैं कि हम तुम्हें दया करके कभी छोड़ेंगे नहीं, और ना ही तुम्हारी अधर्म तुम्हारा जो है अधर्म से कोई मैं हत्या करूंगा, हत्या करके मैं बधिक भी नहीं कहलाऊंगा। बधिक का अर्थ होता है हत्यारा, कि मैं हत्यारा भी नहीं कहलाऊंगा, मैं धर्म के मार्ग पर ही चलूंगा। मैं तुम्हें कवच दूंगा, अस्त्र दूंगा, तुम जिससे भी लड़ना चाहो तुम अपनी इच्छा व्यक्त करो, तुम्हें वही तुम उसी व्यक्ति से लड़ भी पाओगे। साथ ही साथ यदि तुम जीत गए तो सारा राज्य भी तुम्हारा हो जाएगा। अब तो तुम बताओ, यह तो कोई अधर्म नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ? भीम युधिष्ठिर की इस बात को सुनकर कहते हैं कि भैया, अभी भी आप इस दुराचारी के साथ धर्म जैसा व्यवहार कर रहे हैं, यह एकदम से अनुचित है, अनावश्यक है। दुर्योधन कहता है कि मैं तो तुमसे पहले भी कह चुका हूं कि इस कुरुक्षेत्र के मैदान में हुए नरसंहार को देख करके
यह जो कुरुक्षेत्र का मैदान है, जो रक्त से सना हुआ है, इतने खून खराबा को देख करके मुझे तो युद्ध से विरक्ति सी हो गई है। मेरी समझ में अब आ गया है कि अब प्राणों की तृप्ति की चेष्टा भी करना जो है बेकार है। यदि तुम्हें मेरे प्राण लेकर के तुम्हारी इच्छा अगर तृप्त होती है तो वैसे भी मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, लेकिन मेरे इस इतने बड़े कुरुक्षेत्र के इस युद्ध के मैदान में एक बूंद अगर गिर भी गई तो सूख कर न जाने कहां पर खो जाएगी। यदि मेरे मरे हुए शरीर पर तुम अपना विजय घोष करना चाहते हो और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। चलो, एक प्रकार से अच्छा, यहां दुर्योधन अपने मन को सांत्वना देते हुए कहता है कि चलो एक यह भी एक प्रकार से अच्छा ही होगा कि इस महाभारत के युद्ध में जिन महारथियों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी, कम से कम उन्हें तो जो है मैं अपना मुंह दिखा सकूंगा। अच्छी बात है युधिष्ठिर, यदि तुम बिना युद्ध किए मुझे छोड़ना नहीं चाहते हो तो मुझे एक गदा दे दो, फिर देखो मेरे पौरुष का कमाल। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंततः दुर्योधन जो है वह युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है। तो आज के लिए अब इतना ही। अब मैं जो है एक एक्सट्रैक्ट मैं दे रहा हूं, उसमें चार प्रश्न हैं। आशा करता हूं कि जितना मैंने जो पढ़ाया है उसी में से एक अवतरण है और उसी अवतरण से चार प्रश्न हैं। अवतरण है कि जिस कालाग्नि को तूने वर्षों घृत देकर उभारा है, उसकी लपटों में साथी तो स्वाहा हो गए, उसके घेरे से तू क्यों बचना चाहता है? अच्छी तरह समझ ले, ये तेरी आहुति लिए बिना शांत न होगा। इसमें चार प्रश्न हैं, मैं प्रश्न पढ़ दे रहा हूं एक एक करके, और वैसे आपके स्क्रीन पर भी जो है आप देख लेंगे। उपर्युक्त कथन का दुर्योधन ने युधिष्ठिर को क्या उत्तर दिया? घृत देकर उभारा है से क्या तात्पर्य है, स्पष्ट करें। उपर्युक्त अवतरण के वक्ता तथा श्रोता के बारे में बताइए। और चौथा प्रश्न है, जब भीम दुर्योधन को ललकारता है तो युधिष्ठिर भीम से क्या कहते हैं? चारों प्रश्न जो है मैंने पढ़ दिया है। आशा करता हूं कि आप लोग ये दूसरे अवतरण को भी अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।